वीडियो कलश यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, एक बार पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष के प्रति उनकी रुचि कैसी होगी। उनके प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन पांचों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहां देखोगे उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। भगवान का आदेश पाकर पांचों भाई वन में गए और कुछ समय बाद वापस लौटे। फिर सबसे पहले युधिष्ठिर भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने वन में दो सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोग हर दशा में प्रजा का शोषण ही करेंगे। उसके बाद भीमसेन ने बताया कि उन्होंने देखा कि एक गाय बछड़े को दुलारते हुए इतना अधिक चाट रही थी कि उससे खून निकलने लगा। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों पर इतना अधिक आसक्त होगा कि वे अपनी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रोक देंगे। उदाहरणार्थ, यदि किसी का पुत्र साधु बनता है तो उसके दर्शन करके लोग कृतज्ञ होते हैं, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे। वे रोएंगे कि मेरा पुत्र यह किस राह पे चल पड़ा। भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया, उन्होंने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी। वो पक्षी अविश्वसनीय रूप से एक मनुष्य का मांस खा रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान तो कहा जाएगा, परंतु उनकी नजर पराये धन पर होगी। उनकी मंशा बस यही होगी कि जल्दी से जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी सारी संपत्ति को हड़प लिया जाए। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों का धन छीनने के लिए आतुर होंगे, परंतु वास्तविक संत विडले ही रहेंगे। अर्जुन के बाद नकुल ने बताया कि उन्होंने एक भारी चट्टान को पर्वत से गिरते हुए देखा और उसे बड़े बड़े वृक्ष भी नहीं रोक पाए, परंतु वह चट्टान एक पौधे से टकराई और आश्चर्यजनक रूप से वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं रहेंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा ही मनुष्य के जीवन को नष्ट होने से बचा सकता है। श्री हरि के कीर्तन मात्र से ही मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान को बताया कि उन्होंने नगर में तीन कुएं देखे जो जल से भरे थे, परंतु उनमें से बीच वाला कुआं बिल्कुल खाली था, जबकि वहां उन सब में सबसे ज्यादा गहरा लग रहा था। श्री कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शोक के लिए अथवा संतानों के विवाह में बहुत आयत से धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता के लिए उनमें कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि मदरा पान आदि पर खर्च किया जाएगा, परंतु जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का प्रकोप नहीं बल्कि परमात्मा का आशीष होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य ही बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।